नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कवायद तेज कर दी है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनके इस कदम से समाजवादी पार्टी को बड़ा सियासी फायदा होने वाला है। आखिर नीतीश कुमार क्या करने की सोच रहे हैं, इसके लिए जदयू, राजद और समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है, नीतीश कुमार को इसका कितना फायदा हो सकता है, आइए समझते हैं इस सियासी समीकरण से। क्या यूपी से भी चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार, इसे समझने के लिए हम जदयू के एक राष्ट्रीय नेता से बातचीत किया। उन्होंने कहा कि सियासत में कुछ भी संभव है, कौन कहां से लोकसभा चुनाव लड़ेगा अभी इसे बता पाना संभव नहीं है। अभी तो नीतीश कुमार बिखरे विपक्ष को भाजपा के खिलाफ एकजुट करने की कोशिशों में हैं। उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि 2024 में भाजपा के विजय रथ को रोका जा सके, इसके लिए हर तरह की कोशिश की जाएगी। जदयू नेता ने आगे कहा कि नीतीश कुमार देश के बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार न सिर्फ यहां से चुनाव लड़े बल्कि प्रदेश के विकास में अहम योगदान दे। अब तक भाजपा से गठबंधन होने के नाते नैतिकता के आधार पर पार्टी यूपी में ज्यादा दखल नहीं देती है। अब जनता की डिमांड है कि नीतीश कुमार भी यूपी आए, इसलिए हम देख रहे हैं कि यूपी में जदयू के लिए क्या क्या और कैसी कैसी संभावनाएं बन सकती है। यूपी से ही क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव, यही सवाल जब पत्रकार अवधेश पांडे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं। ऐसे में जो यूपी में आगे रहता है केंद्र में उसकी सरकार बनने की संभावना अधिक होती है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, यूपी में इस जाति का आबादी करीब 7% है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों इन वोटों को हासिल करने की कोशिश करती है। अभी भाजपा के साथ अपना दल इसके अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं। कुर्मी वोटर्स में अनुप्रिया काफी लोकप्रिय हैं। अनुप्रिया की छोटी बहन पल्लवी और मां कृष्णा पटेल ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रखा है। अखिलेश और बड़ा कुर्मी चेहरा तलाश रहे हैं जिससे वह इस जाति के वोटर्स को पूरी तरह अपनी ओर खींच सके। नीतीश कुमार अगर यूपी आते हैं तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। अवधेश आगे कहते हैं कि नीतीश कुमार को प्रयागराज के फूलपुर, कौशाम्बी या प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तीनों लोकसभा सीटों में कुर्मी वोटर्स की संख्या अच्छी है। फूलपुर तो एक समय कांग्रेस का गढ़ था, यहीं से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव भी जीता था। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य भी यहीं से सांसद चुने गए। 2017 में जब वह प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, यहां हुए उपचुनाव में सपा के नागेंद्र पटेल जीते थे। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा की केसरी देवी पटेल ने यहां से चुनाव जीता। ऐसे में अगर नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी उन्हें समर्थन दे देगी। फूलपुर में यादव और मुस्लिम वोटर्स की भी संख्या काफी बढ़िया है। अवधेश के मुताबिक यूपी से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार प्रदेश के 7% कुर्मी वोटर्स को अपनी ओर कर सकते हैं, इससे समाजवादी पार्टी को भी कई सीटों पर फायदा मिल सकता है। वहीं भाजपा को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जदयू, राजद और सपा की आखिरकार रणनीति क्या है, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश बताते हैं कि यूपी में यादव और मुस्लिम वोटर्स के बीच समाजवादी पार्टी की अच्छी पकड़ है। ऐसे में अगर चुनाव 2024 में भाजपा को मात देना है तो दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के साथ की भी जरूरत पड़ेगी। नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने से कुर्मी के साथ पिछड़े वर्ग की कुछ अन्य जातियां भी साथ आ सकती है, इसका सीधा असर भाजपा के सीटों पर पड़ेगा। अगर भाजपा को यूपी में कम सीटें मिलती है तो 2024 में पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। और देश के अनुसार तीन पार्टियां मिलकर यूपी में भाजपा को परास्त करने की तैयारी कर रही है। इन तीनों के पास पिछड़े वर्ग के वोटर्स का अच्छा बैकअप है, इसके अलावा मुस्लिम वोटर भी इनके साथ बड़ी संख्या में रहते हैं, तो ये भाजपा के लिए काफी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से लगातार पीएम मोदी को मात देने के लिए नीतीश कुमार घेराबंदी कर रहे हैं तो क्या वो यूपी के किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है वो तो आने वाले समय में बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार अगर उत्तर प्रदेश की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा गठबंधन को होने वाला है, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।